और आज का हमारा वीडियो जो रहेगा वो कुछ एमसीक्यूज जिनको हम विदेशनल सॉल्व करने वाले हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज रहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपना इंपोर्टेंट सुझाव जो है जरूर दें

उसके बाद में अगर आप बीसीजी देते हैं वन मंथ से लेके वन ईयर की एज के बीच में तब इसका डोज रहता है जीरो पॉइंट वन एम और इसको हमेशा इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है और साइट जो रहती है वो लेफ्ट डेल्टोइड रहती है एट बर्थ जीरो पॉइंट जीरो तक और वन मंथ टू वन ईयर जीरो पॉइंट वन एम एल ईयर के बाद में अगर आपको बीसीजी देना है तो पहले मोन्टोक्स टेस्ट करते हैं और उसके बाद में अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप बीसीजी दे सकते हो पॉजिटिव आता है तो बी देने का जरूरत नहीं रहता है बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है इसको हमेशा मिक्स किया जाता है नॉर्मल सेलाइन के साथ में किसके साथ में नॉर्मल सेलाइन के साथ में और नॉर्मल सेलाइन से मिक्स करने के बाद में इसको तीन से चार घंटे तक यूज होना होता है उसके बाद में इसको डिस्कार्ड करना होता है इसलिए हम मैक्सिमम लोगों को एक ही साथ ये देना प्रीफर करते हैं और इसका डाइल्यूशन जो नॉर्मल सलाइन में करते हैं वो वन एम के साथ में करते हैं एक एम नॉर्मल सलाइन ले और पाउडर फॉर्म में बी को डायल्यूट कर दो और उसके बाद में उसको हर एक बच्चों को लगा दिया जाता है तीन से चार घंटे तक इसको यूज किया जा सकता है इसलिए एक ही वायर से मैक्सिमम बच्चों को लगाने का ज्यादातर ध्यान रखा जाता है इसलिए वीक में एक सिंगल डे डिसाइड कर लिया जाता है और उसी दिन वैक्सीनेशन करते हैं ताकि जो है मैक्सिमम वो जो दवाई है वो खराब नहीं हो और मैक्सिमम बच्चों में यूज जा आ जाए तो ये पूरी कहानी रहती है बीसीजी के साथ में आपको नॉर्मल सराइन डाइल्यूशन याद रखना है इंट्राडर्मल रूट याद रखना है डोज याद रखना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव और जीरो पॉइंट वन एम और आपको लेफ्ट डेल्टोइड रीजन याद रखना है और एक्स्ट्रा पलमनरी ट्यूब्रोकलोसिस के बारे में याद रखना है ये कंसेप्ट है कुछ बीसीजी वैक्सीन के बारे में नेक्स्ट है ए इन्फेक्शन इज हिपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन जो है वो किसके कारण होता है एयर एयरबॉन्ड फिकल ओरल रूट बॉन्ड डिजीज ब्लड बॉन्ड डिजीज और ड्रॉपलेट बॉन्ड डिजीज वी ऑल नो द सिंपलेस्ट वे जिसके जिससे हिपेटाइटिस ए होता है जो सबसे कॉमनस्ट रूट होता है ए का बहुत अच्छे फिकल रूट है ना फिकल ओरल रूट है ना अनहाइजेनिक फूड और वाटर से हिपेटाइटिस ए होता है

तो का जो रूट है वो है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है important. Next है है जो होता वगैरह उसके इंसर्जन का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा बेस्ट टाइम है जब आप आईयूडी इंसर्जन कर सकते हैं ड्यूरिंग और विद इन टेन डेज ऑफ मेस्ट्रेशन जस्ट बिफोर मेस्ट्रेशन फाइव डेज आफ्टर मैं

4 दिन को छोड़ के 5 दिन तो डेज आफ्टर पांचवे के पांच दिन बाद में इसको इंसर्जन किया जाता है ये सबसे बेस्टेस्ट टाइम माना जाता है बिफोर मैं गलत है टेन डेज गलत है और ड्यूरिंग मिड पीरियड ऑफ मैं साइकिल भी रॉन्ग है सी इज द करेक्ट वन फाइव डेज आफ्टर मैं नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ओ ओर पैकेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्टन ओ आर एस पैकेट में सारी चीज होती है एक को छोड़ के पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड सोडियम बाई कार्बोनेट ओ आर एस जो पैकेट रहता है उसके अंदर सब चीजें होती है एक को छोड़ के तो ओ आर एस जो होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड है ना कैल्सियल जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड एनएसियल जिसको बोलते हैं सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज एन हाइड्रेट सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट और ग्लूकोज एनहाइड्रस ये चीजें तो रहती है लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो है या कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके कंपोजिशन में नहीं आता है तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर बनेगा बी कैल्शियम इज नॉट द कंपोजिशन ऑफ दबर पैकेट कैशियल सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज इसके कंपोजिशन के अंदर आता है ग्लूकोज है ना तो टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट नाइन और ये इनका कंपोजिशन होता है पोटेशियम सोडियम बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज का हालांकि ओ के बारे में एक डिटेल से लेक्चर भी अवेलेबल uh, है तो आप उसको जरूर प्रेफर करें ओ में क्या कंपोजिशन होते हैं कितने इलेक्ट्राइट होते हैं क्या ऑस्मोलेटी होती है वो सारी चीज आपको वहां पे जरूर मिलेगी तो आप उस लेसन को भी जरूर पढ़े जो ओ का इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है तो ओ पैकेट में क्या नहीं होता है ये पूछा एक्सेप्ट का क्वेश्चन था इसलिए जवाब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट ये ओ पैकेट में नहीं होता है नेक्स्ट है यूजिंग द रूल ऑफ नाइन ज ऑफ दॉडी बर्न ए क्लाइंट विद कोटे तो देखिएगा को एरिया होता है वो होता है नाइन परसेंट अपर आर्म जो होता है राइट नाइन परसेंट होता है लेफ्ट नाइन परसेंट होता है लेफ्ट आर्म नाइन 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 उसके बाद में

राइट लेग लेफ्ट लेग और जेनिटल एरिया वन परसेंट तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं रूल ऑफ नाइन को सबको आप ऐड करो तो ये हंड्रेड परसेंट होता है अब हमें बोला कि बहुत आम तो एक आम का नाइन परसेंट है दूसरे आम का नाइन परसेंट है तो दोनों आम को नो और नो को ऐड करें तो एट्टीन होता है सो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज एटीन परसेंट है ना रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग जब आप बहुत आम बर्न को काउंट करते हैं तो ये कितना आएगा एटीन परसेंट नेक्स्ट हैजरगोन एन एंडोस्कोपी ऑफ दी अपर जी आई ट्रैक्ट अपर जी आई ट्रैक्ट का endo, endoscopy वहां पे किया गया है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी और वेन यू गोइंग टूर मेक ए केयर प्लान वी शुड इंक्लूड विच ऑफ दीज आप केयर प्लान के अंदर इंक्लूड करेंगे जिस मरीज का अपर जी आई एंडोस्कोपी वहां पर किया जा रहा है तो वहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिंग एनालिस्टिक फॉर पेन पेन के लिए एनालिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑब्जर्व द्लाइंट फॉर रेक्टल ब्रीडिंग के लिए ऑब्जर्व करो काम में लिया जाता है जिससे मरीज का गैग रिप्लेक्स जो है वो उस एनस्थीशिया के इफेक्ट के कारण डिसोस्कोपी हमेशा ही हमें ध्यान रखना होता है कि मरीज को कुछ भी देने से पहले कोई भी चीज आप खिला रहे हो पिला रहे हो

नेक्स्ट है नर्सिंग के पेशेंट विद एन एवी फिस्टुला एम एट मेंटेनिंग पेटेंसी इंक्लूड एवी फिस्टुला किसी मरीज को लगा हुआ है एवी फिस्टुला आपने बनाया है आप पेटेंसी को मेंटेन करना चाहते हो तो क्या केयर प्लान आप इंक्लूड करेंगे है ना एवी फिस्टुला के मरीज में पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या केयर प्लान आप इंक्लूड करेंगे फर्स्ट है टेकिंग ब्लड प्रेशर इन द अफेक्टेड एरिया अफेक्टेड एरिया से ब्लड प्रेशर लेंगे जिस साइड में एवी फिस्टुला फिस्टूला है उधर बीपी चेक करेंगे पालपेट फॉर ए ब्रुइ ब्रुइट के लिए पालपेट करेंगे कीपिंग द आर्म फ्री ऑफ आर्म को फ्री ऑफ रखेंगे और अप्लाइंग हीट टू मेंटेन सर्कुलेशन हीट अप्लाई करेंगे सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए तो देखिएगा जो एवी फिस्टुला अगर आपने बनाया है और आपको पेटी मेंटेन करना है तो आपको अफेक्टेड आर्म के ऊपर जो भी आर्म अफेक्टेड है उस अफेक्टेड आर्म के ऊपर ब्लड प्रेशर नहीं लेना है ये गलत है आपको उस साइड में बीपी नहीं लेना उस साइड में आपको जो है पंचर नहीं करना वेनी पंचर नहीं करना है आपको सैंपलिंग नहीं लेना उस साइड के अंदर तो अफेक्टेड आर्म को आप तो बिल्कुल यूज नहीं लेना होता है पालपेट फॉर ब्रूट तो ब्रूट पालपेट नहीं किया जाता है पालपेट करना को थ्रिल कराता है क्या कहलाता है थ्रिल ब्रूट जो होता है उसको चेक करने के लिए हमेशा ऑस्कल्टेट किया जाता है ब्रूट को चेक करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है ऑस्कल्टेट किया जाता है तो ब्रूट जो है उसको कभी भी पालपेट नहीं करते हैं उसको ऑस्कल्टेट करते हैं थ्रिल जो होता है उसको चेक करने के लिए पालपेट तो फिस्टुला साइड को आप पालपेट करते हैं तो उसको थ्रिल साउंड कहते हैं और ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसको ब्रूट साउंड कहते हैं वन इज द हीट टू मेंटेन सर्कुलेशन तो हीट का एप्लीकेशन वहां पे नहीं करना होता है के किसी भी तरीके का हीट कोल्ड एप्लीकेशन अवॉइडेड रहता है तो ए बी और डी यहाँ पे गलत जवाब है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यू हैव टू कीप द आर्म फ्री ऑफ कॉन्टिक्शन आर्म को जो है फ्री रखना है उसको किसी तरीके से बाइंड नहीं करना है पैटर्न से रखनी है तो उसको कॉन्स्टिक्ट नहीं रखना है उसको टाई नहीं करना है फ्री ऑफ कॉन्स्टिक्शन रखना, रखना आर्म को तो सी इज द करेक्ट वन

we have to review the patient's record and determine that the client is at risk for developing potassium deficit because of क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से उसको पोटेशियम डेफिशिट हुआ तो ऐसा कौन सा कारण आपको दिख रहा है जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो सकती है बॉडी में हाइपो हो सकता है पेशेंट इज ऑन पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक पेशेंट इज ऑन नेजोगेस्टिक सक्शन पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज पोटेशियम का डेफिसिट को हाइपोकैलीमिया कहते हैं पोटेशियम का डेपिसिट को हाइपोकैलीमिया कहते हैं और फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है उसके अंदर लिखा हुआ है पोटेशियम स्पेरिंग डायब्रेटिक पोटेशियम स्पेरिंग डायबिक वो होते हैं जो पोटेशियम को बाइंड करते हैं बॉडी के अंदर और जब ये पोटेशियम को बॉडी में बाइंड करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी में हाइपर होगा पोटेशियम का लेवल ज्यादा होगा तो पोटेशियम स्पेरिंग डायब्रेटिक जो है हाइपर तो करते हैं लेकिन ये हाइपो नहीं कर सकते ये पोटेशियम का लेवल को बढ़ाते हैं तो है पर कम नहीं करते हैं तो तो ये तो पोटेशियम के लेवल को बढ़ाएंगे एडिसन डिजीज जो होती है, जिसमें हार्मोन की बॉडी के अंदर जो है वो होती है, और वो वो होती और जब होगा, तो पोटेशियम बॉडी में बाइंड रहेगा एल्डोस्ट्रॉन वो हार्मोन होता है जो सोडियम को बॉडी में रिटेन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कराता है तो अगर एडिसन डिजीज होगी तो इसमें एल्डोस्टेरोन जो है एल्डोस्टेरोन जो है एल्डोस्टेरोन उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी और जब एलडस्ट्रॉन बॉडी में कम होगा तो बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज्यादा होगा तो इसमें भी हाइपर देखने को मिलता है और अगर किसी मरीज को रीनल डिजीज है आइदर एक्यूट रीनल फेलियर क्रोनिक रीनल फेलियर क्रोनिक किडनी डिजीज सी डिजीज को हम बोलते हैं उस मरीज में भी पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है तो हाइपर देखने को मिलता है तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो तीनों ही कंडीशन हाइपर को इंडिकेट करती है लेकिन ऑप्शन बी जो है कि पेशेंट जो है वो नेजोगेस्टिक सक्शन के ऊपर है ये बॉडी से पोटेशियम का लॉस करवाएगा और जब बॉडी से पोटेशियम का लॉस होता है तो बॉडी में क्या होता है हाइपोकैलीमिया तो बी यहां कि इस पेशेंट के अंदर हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा वो मरीज जो किसके ऊपर है नेजोगेस्ट्रिक सक्शन के ऊपर नेक्स्ट है अपट्टर फोर्टी एट ए बर्न विक्टिम कैन बी इवेलुएट बाय अड़तालीस घंटे हो गए आपने फ्लूड को सक्सेसफुली रिससिटेट कर दिया ये सफलता का इवेल्युएशन आप किस तरीके से करेंगे कैसे करेंगे कि उसमें फ्लूड जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हो चुका है रिप्लेसमेंट वेट चेक करके यूरिन आउटपुट चेक करके यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके या पेरिफेरल परफ्यूजन चेक करके तो रिप्लेसमेंट uh, का सबसे बड़ा आइडिया जो होता है वो हमेशा यूरिन आउटपुट से होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है है ना जब भी बर्न का मरीज होता है और उसमें फ्लूड सक्सेसफुली जो है रिससिटेट हुआ है अगर यूरिन आउटपुट प्रेजेंट है नहीं प्रजेंट है तो अभी तक नहीं हुआ है तो यूरिन यहाँ पेटपुटीफुलिसंट विद नेक्स्ट वन एन एंड स्टेज एड्स क्लाइंट रिक्वायर सक्सनिंग दिस टास्क वी है so,

आई प्रोटेक्शन एंड स्टेराइल ग्लव्स है ना तो ये तीनों ही चीजें यहाँ पे यूज करना होता है मास्क की भी यूज लेना है आई प्रोटेक्शन भी यूज लेना है और ग्लव्स भी यूज लेना है तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर ये तीनों ही चीजें यहाँ पे आपको यूज लेनी पड़ेगी वो मरीज जो एंड स्टेज रीनल एंड स्टेज जो है डेफिशिएंसी सिंड्रोम की एंड स्टेज पे है और उसका सक्सनिंग का नीड है तो आपको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए तीनों ही चीजें आपको यूज करना पड़ेगा मास्क आई प्रोटेक्शन एंड स्टेराइल ग्लव्स

रेल्स साउंड जो होता है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन को ज्यादातर इंडिकेट करता है ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पे नहीं बनेगा जो कि फ्लूड वॉल्यूम के बारे में हमें ज्यादा बता पाए ब्लड प्रेशर हिमेटोक्रिट जो होता है हिमेटोक्रिट है ना हिमेटोक्रिट की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज देखने को मिलती है जब फ्लूड वॉल्यूम जो है वो लेस होता है और डिक्रीज देखने को मिलती है जब फ्लूड वॉल्यूम ज्यादा होता है है ना तो

मान लो बर्न और उसकी वजह से और उसमें ज्यादातर जो है इमेटोक्रेट की वैल्यू वहां पे बढ़ जाती है है ना तो तब वहां पे इंपोर्टेंट चीज रहती है तो वॉल्यूम की मतलब सेंट्रल प्रेशर का डेफिशियट इमेटोक्रेट बढ़ेगा ब्लड प्रेशर कम होगा लेकिन ये अच्छा इंडिकेशन इनिशियली नहीं होता और रेल से जो है वो हाइपर वॉल्यूम की कंडीशन को ज्यादातर इंडिकेट करता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा बी दैट इज सेंट्रल वीनस प्रेशर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखे इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहे मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं ताकि जो है हम इनडायरेक्टली कई लोगों के मददगार बन सके और उस बात को सार्थक कर सके जो भगवान कृष्ण ने बोली है कि सार्थी बने स्वार्थी ना बने तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत